हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष। और अब आप तो जानते हैं कि आसिम जी का हैप्पी बर्थडे है, तो मेरी तरफ़ से, फिल्मी खिचड़ी की तरफ से, सब लोगों की तरफ से मैं उन्हें एक विश कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू अ वेरी गुड सिंगर एंड अ वेरी हैंडसम एंड गुड लुकिंग बॉय। आसिम से मैं सर्टनली बिग बॉस के समय पर मिल चुकी हूँ, और उनके भाई यानी कि उमर से थोड़े दिन पहले उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तब मैं मिली थी वर्चुअली, और बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कुछ एक ऐसे राज खोले हैं आसिम के, जिसे जानकर मैं सिर्फ हंस रही थी उस इंटरव्यू के दौरान। कुछ अंश पेश कर रही हूँ, और इस दौरान मैंने उनसे पूछा था कि क्या किसी एक लड़की को लेकर आप दोनों भाइयों में क्रश हुआ है, तो जवाब सुनिए। ऐसा हुआ है कि एक ही लड़की आप दोनों भाइयों को पसंद आई हो? स्कूल में क्या अच्छा होता था, हाँ स्कूल में क्या होता था कि आई हैड अ क्रश, वो मेरी क्लासमेट थी, लेकिन आसिम छोटा था, आई मीन शी वॉज लाइक द प्रीटीएस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, ऐसा कह सकते हो आप, तो सबका क्रश था, लेकिन वो मेरी ज्यादा दोस्त थी। लेकिन अब क्या होता था, मैं और वो बैठे होते थे, वो बोलती थी वो शायद तुम्हारा भाई है, वो आसिम उसके दोस्तों के साथ ऐसा ना क्लासरूम के बाहर खड़े हो जाता आसिम क्लासरूम के बाहर खड़े होकर ऐसे दिखता था, तो मैं बोलता था अच्छा बच्चू भाई के क्रश पे ही क्रश आ गया। तो मतलब वही, आई थिंक आई कैन रिमेम्बर वन इंसिडेंट आपने क्या लड़ाई की भाइयों ने उस नहीं उस नहीं नहीं उस पे लड़ाई, ऐसे हम बहुत लड़ाई करते थे, उस पे कभी लड़ाई नहीं हुई कि यू नो, क्योंकि आई दो शी वॉज माई क्रश, बट मैं भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वी डेटेड और समथिंग, बिकॉज आई वाज अ वेरी शाय गाय, तो ना मुझे मिली ना उसे भगवान, किसी को तो कोई तो ट्राई कर लेता एक्चुअली मैं सो अच्छा हुआ लड़ाई नहीं की हमने हाँ, मतलब एक जबरदस्ती की लड़ाई हो चुकी होती। जो नया सॉन्ग आया है स्काई हाई, बहुत अच्छा रैप है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत थोड़ा सा बदमाशी भरा भी है, एट द सेम टाइम बहुत ग्रैंड है, हेलीकॉप्टर है, अच्छी खूबसूरत जगह पर शूट किया गया है, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे में जो उमर इसमें दिखाई भी दिए हैं, मैंने उनसे कहा भाई डॉक्टर साहब हैं आपकी, तो आपकी हैंडराइटिंग कैसे है, जवाब सुनिए। एक हाँ बार उमर से एक बार डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी ना हैंडराइटिंग्स जो रहती हैं डॉक्टर्स की, वो बड़ी सोचने वाली बात होती है। ओके, वो सिवा एक केमिस्ट के कोई नहीं मेरी परवाता। आपकी हैंडराइटिंग कैसी है? सच में बोलूं, मैं जब मैं लिखूं आई गो बैक, पर मेरे को अपने नहीं लिखा, समटाइम्स आई हैव टू करेक्ट, सो सपोज आई हैव रिटन समथिंग एंड सपोज एग्जाम्स, सपोज व्हाट हैपेंस इज मैंने एक एग्जाम दिया है और मैंने लिखा है, सो यू नो जब आप एग्जाम खत्म करते हैं तो यू कम बैक, मैं एक बार देख लेता हूँ कि कुछ मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, यू नो व्हेन आई कम बैक एंड आई एम लाइक ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आई मीन द वन इज गोना करेक्ट, आई मीन चेक, आई मीन उसे, सो वी बैटल विद दैट, आई मीन आई थिंक ऑल द डॉक्टर्स, बट स्टिल आई विल से कि आई हैव अ बेटर, यू नो इट्स लाइक अंधों में काना राजा, यू नो आई विल स्टिल से कि आई हैव अ बेटर राइटिंग, बट सम पीपल आर लाइक दे जस्ट स्क्रिबल, यू नो लाइक ये एहसान कर दिया कि ये लो, आई वाज लाइक क्या, आई वाज लाइक ले जाओ बस ले जाओ, सो दैट्स ऑल। रियली नाइस, बहुत ऑनेस्ट आंसर है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा बदमाशी भरा वाला सवाल है। जब आप लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं वो तो आपको देख के ठीक हो जाती हैं, आप उनसे चार्ज करते हैं क्या? या नहीं वापस ऐसा ऐसा कुछ वैसा, आई मीन ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज जो हॉस्पिटल का एक एनवायरमेंट रहता है, आई मीन और मैंने एक्चुअली काफी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई हैव वर्क विद गवर्नमेंट अलॉट, अभी जाके बॉम्बे में आके स्टार्ट वर्किंग विद कॉर्पोरेट, तो गवर्नमेंट में क्या रहता है कि इट्स लाइक पीपल आर इन पेन और बहुत ही सब परेशान, बट हाँ एक्चुअली क्या होता था, यू नो यू माइट सी मी एज फनी और यू नो, बट जब मैं व्हेन आई एम वर्किंग आई एम वेरी प्रोफेशनल, सो मैं क्या करता हूँ कभी कभी मैं डांट देता था किसी आई मीन पेशेंट के रिलेटिव को कि यू नो समटाइम्स आपको टेस्ट कराने, तो वो नहीं कराते थे, तो एक पेशेंट ने मुझे बुलाया, यू नो ही वाज लाइक सर एक मिनट मेरे पास आना, लाइक यस सर आपको डॉक्टर नहीं आपको पुलिस ऑफिसर,
क्योंकि सर आप आपका रोब बहुत अच्छा है, आपकी वजह से सारे लोग जो है ना एकदम काम करते हैं, भागते आगे पीछे की सर आएंगे। तो आई डोंट नो अबाउट की इम्प्रेस, बट आई थिंक लोग डरते थे कि हाँ मतलब, बट बिकॉज आई वुड रियली केयर अबाउट देम, सो आई वुड वांट देम कि आप लोग यू नो इफ यू आर देयर जस्ट हेल्प देम। तो बट हाँ समटाइम्स व्हेन यू हैव फीमेल रिलेटिव्स आल्सो, सो दे वुड या दे वुड आस्क अबाउट यू, सो यू नो सो हाय हेलो हो जाता है, बट अदरवाइज आई ट्राई टू बी प्रोफेशनल, अदरवाइज समटाइम्स यू आल्सो स्लिप, बट आई ट्राई टू मेंटेन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप यू नो। मतलब जितनी भी लड़कियां होंगी जो चाहते होंगे उमर जी को देखना, वो जबरदस्ती बीमार होकर आती होंगी ऐसा मुझे लगता है। अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आते कि आपका क्लिनिक कहाँ पे है, लाइक मेरा कोई क्लिनिक नहीं है, आई डोंट डू एनी प्राइवेट प्रैक्टिस, सो या। अच्छा मतलब बच गए आप इस तरीके से, अदरवाइज बहुत मुसीबत हो जाती है आप। I don't know, I mean you can say that, I mean kind of exactly really fun talking to you.